सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद जब से ड्रग्स एंगल सामने आया है तब से हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी एक तरफ जहां रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक चक्रवर्ती से पूछताछ कर रही है, तो दूसरी ओर एक नए चैट के खुलासे के बाद बॉलीवुड में ये मामला गर्माता जा रहा है। वहीं ड्रग्स एंगल में अभिनेत्री दिया मिर्जा का नाम भी सामने आया है, जिसके बाद मंगलवार को दिया ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से सफाई दी है। दिया ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए। उन्होंने लिखा कि उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है और उन्होंने किसी भी तरह के अवैध ड्रग्स नहीं लिए हैं। इसके अलावा दिया ने कहा कि मैं इस खबर का दृढ़ता और स्पष्ट तौर पर खंडन करना चाहती हूँ, क्योंकि ये आरोप बेबुनियाद और निराधार है और ये आरोप गलत इरादों के साथ लगाए जा रहे हैं। इस तरह की ओछी रिपोर्टिंग का मेरी प्रतिष्ठा पर सीधा असर पड़ता है। इससे मेरे करियर को नुकसान होता है, जिसे मैंने वर्षों की मेहनत से बनाया है। उन्होंने कहा कि मैंने अपने जीवन में कभी भी किसी मादक पदार्थ की खरीद फरोख्त और उसका सेवन नहीं किया है। मैं एक भारतीय नागरिक होने के नाते मैं अपने उपलब्ध कानूनी उपायों का इस्तेमाल करूंगी। मेरे समर्थन में खड़े फैंस का धन्यवाद। वहीं एनसीबी के सूत्रों ने बताया कि कुछ व्हाट्सएप बातचीत में मादक पदार्थों की कथित तौर पर चर्चा करने वाली एजेंसी भी रडार पर है। अधिकारी ने बताया कि एनसीबी अभिनेत्री रकुलप्रीत सिंह, सारा अली खान और डिजाइनर सिमोन खंबाटा को भी इस सप्ताह बुला सकती है। वहीं एजेंसी करिश्मा प्रकाश और क्वान टैलेंट मैनेजर एजेंसी के सीईओ ध्रुव चित गोपेकर को इस सिलसिले में पहले ही तलब कर चुकी है। इससे पहले राजपूत की टैलेंट मैनेजर जया साहा से भी एनसीबी ने सोमवार को पूछताछ की थी। एनसीबी अब तक अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक चक्रवर्ती समेत 18 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। इसके साथ ही रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रही है। एक विशेष एनडीपीएस कोर्ट ने उनकी हिरासत याचिका खारिज करते हुए इसे 6 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है, यानी रिया चक्रवर्ती 6 अक्टूबर तक जेल में रहेंगी। वहीं दूसरी ओर रिया और उनके भाई शौविक चक्रवर्ती ने बॉम्बे हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मान शिंदे के मुताबिक जमानत याचिका पर सुनवाई 23 सितंबर को हो सकती है। इससे पहले 11 सितंबर को भी विशेष एनडीपीएस कोर्ट ने रिया और उनके भाई सहित 4 अन्य आरोपियों की जमानत याचिका खारिज की थी। बता दें कि रिया और शौविक को सुशांत सिंह राजपूत के लिए ड्रग्स मुहैया कराने के आरोप में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने गिरफ्तार किया है। फोन की चैटिंग से इनके ड्रग्स प्रोक्योर करने की बात सामने आई थी। रिया और शौविक के अलावा सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा और कुक दीपेश सावंत भी न्यायिक हिरासत में हैं। बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत 14 जून को बांद्रा में अपने स्थित आवास में मृत पाए थे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट्स करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।